हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आर ओ ए आर ओ के लिए एसे के बारे में बात करूंगा। आपको पता है कि आर ओ ए आर ओ के मेंस के पेपर में 3 एसे लिखने के लिए आते हैं और ध्यान रखिएगा ये एसे हिंदी में लिखने होते हैं। तो जितने भी इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट्स हैं उनको एक डाउट आता है बिकॉज उनका इतना हाथ स्ट्रांग नहीं होता है हिंदी में एसे को लिखने को लेकर के। सो उनका ये डाउट आता है क्या इंग्लिश में नहीं लिख सकते हैं, इसमें आपको हिंदी में ही लिखना होता है। सो बात ये आती है कि इन एसेस को तैयार करने के लिए ठीक है कुछ बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ कुछ चीज़ें हैं, बट फॉर्डर मटीरियल यानी कि जो एक बेसिक रूपरेखा होती है ना, जो कुछ कुछ पैराग्राफ है, अगर जैसे किसी हमें टॉपिक पर एसे को लिखना है तो उस निबंध के लिए थोड़ा सा जो बेसिक मटेरियल है, थोड़ा बहुत जो कुछ कुछ पॉइंट्स हैं किसी भी टॉपिक के बारे में, उनको कहाँ से फाइंड आउट करें, वो कंटेंट कहाँ से निकालें, तो उसके लिए इंसान कैंडिडेट मार्केट में कोई ना कोई बुक जरूर सर्च करता है। अगर आप मार्केट में नॉर्मली जाओगे, देखोगे, सर्च करोगे, शॉपकीपर से पूछोगे तो वो आपको एक ही अरिहंत की किताब देंगे, निबंध माला, ये मैंने आपको पहले भी दिखाई हुई है। इसके अलावा ये घटनाचक्र की किताब आती है, ऑब्वियसली अपडेटेड वर्जन भी इसके आते रहते हैं, ये तो 2021 का है पुराना। और इसके अलावा अगर आप मार्केट में देखोगे तो एक आपको परीक्षा मंथन की देखने को मिलती है। इसके अलावा दृष्टि आईएएस की एक किताब बहुत पॉपुलर है, निबंध दृष्टि करके आई थिंक आती है, एंड वो बहुत अच्छी किताब है। मतलब उसमें आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, ल्यूसिड लैंग्वेज में चीज़ों को समझाया हुआ है। सो अगर आप एसे को लेकर के बिगनर हो और आपको इतना आइडिया नहीं है तो उससे भी आप काफ़ी चीज़ें समझ सकते हो। अब बात यह आती है कि आर ओ आर ओ के लिए हम मेंस के लिए कौन सी ऐसी बुक को परचेज करें जिससे हमें हमारा जो कंटेंट है वो थोड़ा सा मिल जाए और हमें चीज़ें कायदे से तैयार हो जाए। उससे भी ज़्यादा जो आर ओ आर ओ के मेंस में जो ऐसे आते हैं, अगर वो पी वाई क्यू हमें मिल जाए, जो टॉपिक्स पुराने आए हुए हैं अगर हमें वो मिल जाए किसी तरह तो काम बहुत आसान हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं पी वाई क्यू में टॉपिक्स को देखने के बाद ये आइडिया लग जाएगा कि कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या किस टाइप के टॉपिक्स आपसे पूछे जा रहे हैं। एंड प्रॉब्लम ये है कि आर ओ आर ओ के मेंस के, देखो प्री के तो आपको मिल जाते हैं पेपर, लेकिन मेंस के पेपर स्पेशली एसए के, जीएस के भी मिल जाते हैं लेकिन एसए के पेपर देखने को नहीं मिलते हैं। सो उससे पता नहीं लग पाता है कि पिछले 5-6 बार जब भी एग्जाम हुआ है या उसके पहले भी 2010 के पहले जब एग्जाम होता था तो उसमें किस टाइप के एसए आए हुए हैं और कैसे उनको तैयार करें, कैसे समझें कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप के आए हुए हैं। यही हाल यूपीपीसीएस मेंस का भी है कि बाकी पेपर्स तो मिल जाते हैं बट एसए वगैरह के पेपर नहीं मिलते हैं। अच्छा, अगर आप इन किताबों की बात करोगे तो यहाँ पर भी आप अगर देखोगे तो इसमें आपको जो भी टॉपिक्स वगैरह हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, ये आपको पूरा यहाँ पर विषय सूची दी गई है, तो इसमें हर तरीके के ऐसे हैं, चाहे नेशनल इंटरनेशनल हो, चाहे करंट अफेयर्स से रिलेटेड हो, चाहे सोसाइटी के मुद्दे हो, या फिर आपका इकोनॉमिकल ऐसे हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हो, डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ के बारे में हो, लिटरेचर से रिलेटेड हो, हर तरीके की जो हो सकती है डायमेंशन उसके बारे में ऐसे आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद में पूरा उनको समझाया भी गया होता है कि क्या चीज़ें होती हैं क्या नहीं होती हैं, लेकिन कहीं पर भी इसमें आपको पी वाई क्यू नहीं दिया गया है। इसी तरीके से अगर आप बात करोगे घटनाचक्र वाली किताब की तो इसमें भी सेम चीज़ है कि इसमें आपको डिफरेंट टॉपिक के ऊपर चीज़ें दी गई हैं, आपको पूरा समझाया गया है, काफ़ी पॉइंट्स भी अच्छे हैं, लेकिन अगर आप पी वाई क्यू की बात करोगे तो वो आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही किताबें आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपकी जो डिमांड्स है, उसको फुलफ़िल नहीं कर पाती हैं। अगर आप बात करोगे परीक्षा मंथन वाली किताब की, जो कि यहाँ पर अभी नहीं है लेकिन वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, ढूंढनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं पड़ी होगी। सो परीक्षा मंथन की किताब और दृष्टि आई सी किताब, इन दोनों किताबों में भी यही है कि आपको पी वाई क्यू देखने को नहीं मिलता है। सो सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि मेन चीज़ तो वही है, ये सब चीज़ें तो स्टिल काम चल जाएगा, लेकिन अगर आपको वो नहीं मिलता है तो फिर उसके बिना कहीं ना कहीं आप लैक कर जाएंगे। सो उसके लिए मैं यहाँ पर आपको एक सोर्स दिखाने वाला हूँ, इसको लेंगे अगर आप तो इसमें आपको बहुत ही बेटर वे में चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। देखिए ये यूथ कॉम्पिटिशन की किताब है, आप जाओगे तो आपको ईजिली मिल जाएगा, ऑनलाइन भी आप देख लेना अगर आपको कहीं मिल रही हो। सो ये निबंध करके है, इसमें आप देख लो, ठीक है, ये है, मैं इसमें आपको अंदर दिखा देता हूं। इसकी सबसे खास बात क्या है ना कि इसमें इन्होंने डिफरेंट एग्जाम के जितने भी पेपर्स होते हैं उनको सबको दिया हुआ है, जैसे यूपीपीएससी के अदर जो एग्जाम्स हैं, जैसे यूपीपीसीएस मेंस है तो इसमें 2002 से लेकर के 2022 तक के, इसके अलावा 2004 में जैसे स्पेशल वाला जो था या 2017 वाला जो था, तो जो भी इस तरीके के एग्जाम है, जैसे एलडीए है, एलडीए आरओआरओ है, आरओआरओ के मेंस के मैंने अभी जो आपसे बात की थी जब पहले यूडीए की फॉर्म में एग्जाम होता था आरओआरओ का, तो ये सारी चीजें यहां पर इन सबके पेपर्स आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि जीआईसी लेक्चरर का एग्जाम होता है तो उसके भी मेंस का आपको देखने को मिल रहा है, आश्रम पद्धति का जो मेंस होता है उसका भी आपको देखने को मिल रहा है, बीईओ का मेंस का जो एग्जाम हुआ था वो भी आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है, ऐसे उसमें जो भी आए हुए थे, लोअर मेंस के भी ऐसे आपको देखने को मिल रहे हैं, यूपीपीसीएस जे के मेंस के भी ऐसे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने जितने भी टॉपिक्स पास्ट में आए हुए हैं यूपीपीएससी के एग्जाम्स के उन सबको कराया हुआ है। तो इससे क्या होता है कि आप मतलब मान के आप एक बार इमेजिन करके देखो कि इतने इन्होंने टॉपिक्स दिए हुए हैं, अगर आपने इन टॉपिक्स को प्रैक्टिस कर लिया जितने भी यहाँ पर दिए हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर से कोई भी ऐसा टॉपिक होगा जो आपका एग्जाम में आएगा और आप उसे डील नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने इतने अगर ऐसे उसको प्रैक्टिस कर लिया, मतलब हर हफ्ते में अगर आप 2 ऐसे भी प्रैक्टिस करते हो तो कहीं ना कहीं हर डायमेंशन की ऐसे को आप समझ जाओगे अपने हिसाब से, जिस भी ऐसे को आपको लिखना है जिस भी डायमेंशन से, और उसके बाद में अगर आपने इनको देख करके प्रैक्टिस किया हुआ होगा तो कहीं ना कहीं फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि किस तरह के एसे आते हैं और किस तरह के एसे को आपको फिर लिखना है, अप्रोच करना है, और काफ़ी अच्छे से इसमें पॉइंट्स वगैरह दिए गए हैं।
ऑब्वियसली आप इसको एग्जैक्टली रेप्लीकेट नहीं करोगे, क्योंकि आपके पास अगर ये किताब है तो हो सकता है कि 10,000-20,000 लोगों के पास और ही किताब हो, तो वो भी सेम कोटेशंस यहाँ से कॉपी पेस्ट मारेंगे, सेम पॉइंट्स वो भी लिखेंगे, तो ऑब्वियसली फिर वो मोनोटोनस हो जाएगा, एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा, उसको पता चल जाएगा कि आपने कहीं से यू नो उसको कॉपी पेस्ट किया हुआ है। लेकिन एक बेसिक चीज़ों को समझने के लिए, शुरू करने के लिए किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आपको नॉलेज गेन करनी है, तो उसके लिए ये किताब आपके लिए काफ़ी अच्छी हो सकती है। और पूरे इंटरनेट पर मैं सर्च कर चुका हूँ, कहीं पर भी मुझे RO ARO के मीन्स के एसे के पेपर देखने को नहीं मिले। अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई सोर्स है, ऐसी कोई जगह है जहां पर आपको निबंध के PYQ देखने को मिल रहे हो RO ARO के, तो मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरे पास भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी कमेंट्स में मेल आते हैं, काफ़ी लोग पूछते रहते हैं, तो मेरे पास भी कहीं ना कहीं उस चीज़ का आंसर नहीं था, इसलिए मैं लगातार मैंने इस चीज़ को सर्च किया, ढूंढा, देन मुझे ये कहीं ना कहीं किताब मिली, एंड उसके बाद मैंने इसको फिगर आउट किया, पूरा इसको पढ़ा, इसके जो टॉपिक्स वगैरह हैं उनको मैंने देखा कि इसमें कैसे क्या पॉइंट्स दिए गए हैं, कितनी ये किताब रेलिवेंट है आपके लिए, एंड उसके बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ ये किताब आपके पास होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये आपको हेल्प करेगी। और सबसे बड़े इसका जो प्लस पॉइंट है ना, वो यही है, देखो कंटेंट तो आपको बाकी किताबों में भी मिल रहा है, जो ये किताब है आपको इसमें भी मिल रहा है, ये किताब इसमें भी मिल रहा है, और भी जो किताबें आप मार्केट में जाओगे मिल जाएगा, लेकिन इसमें आपको जो इन्होंने PYQ दिए हुए हैं ना, तो उससे आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि यार ओके, RO ARO के मेंस में ये वाला आया हुआ था तो ये मैंने तैयार कर लिया, आश्रम पद्धति में ये आया हुआ था तो ये मैंने तैयार कर लिया, UPPCS में ये आया हुआ था तो मैंने तैयार कर लिया। अब देखो जैसे ये वाला टॉपिक है, जंगल लगाए नहीं सिर्फ बचाए जा सकते हैं, UPPCS RO ARO 2010 में आया हुआ है, सो अब इन्होंने यहाँ पर कोटेशन दी गई है एंड देन पूरा उसको इधर यहाँ तक पूरा समझाया हुआ है, तो अपने हिसाब से आप इसको देख सकते हो। अब जैसे ये UPPCS 2006 में आया हुआ है, निरंतर घटते जल स्तर और जल प्रदूषण की समस्याएं, तो जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपके विचार डेवलप होंगे, या डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स जान पाओगे, एंड कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलेगी। सो यही था, ये किताब आप देख सकते हो, इसको आप जाओगे सर्च करोगे, जितना जल्दी इसको लेकर के आप इसे पढ़ना शुरू कर दोगे कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलेगा। मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे लगातार, आप देखोगे वीडियोज़ में, लास्ट वीडियो में यही था कि ऐसे के बारे में बताइए, ऐसे के बारे में बताइए, तो ऐसे के लिए सबसे पहले तो आप ये किताब ले लो, सो दैट आपको PYQ का और सारी चीज़ों का आइडिया लग सके। बाकी अब निबंध के ऊपर मैं एक अलग से लेक्चर लेने वाला हूँ, तो धीरे धीरे मैं और भी टॉपिक्स के ऊपर भी बात करूँगा, और एक बेसिक वीडियो भी बनाऊंगा, तो मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से आप ऐसे को अप्रोच कर सकते हो। आई थिंक दैट विल ऑल्सो हेल्प यू। थैंक यू सो मच अगर आप यहाँ तक आए और आपने मेरा वीडियो देखा है, तो चाहो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर अर्जुन बैच चल रहा है फ्री में, UPPCS RO ARO के दोनों के प्रीलिम्स के लिए, वहाँ पर टारगेट्स वगैरह दिए जाते हैं, PDF वहाँ पर ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो उसको डाउनलोड करके टारगेट्स को आप चेस कर सकते हो। अनुज चतुर्वेदी UPPSC है, आप जाओगे इसलिए आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।